अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान, आप देख रहे हैं रिसर्च चैनल। हमारे पास टोयोटा फॉर्चुनर है 2017 मॉडल, तो इसका ये हम ट्रांसमिशन ऑयल पूरा जो के चेंज कर रहे हैं, फिल्टर भी। 2 लाख तकरीबन ये चल चुकी है गाड़ी, पहले भी एक दो बार ये तेल इसका चेंज कर चुके हैं हम, तो इंशाल्लाह अभी हम इसके सारे बोल्ट खोलेंगे। हाँ चलो, जैसे गियर का इतना खराब नहीं है कंडीशन, सही है। ये गाड़ी थोड़ा पहले ही खुलवा रहा है, जैसे ऑयल की कंडीशन है, इस कंडीशन में तकरीबन ये 40-50 हज़ार किलोमीटर और चल जाना था गाड़ी, ठीक है। ओके, अभी हम इसका ये फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे एक ओरिंग आता है इस जगह पे, वो भी लगाएंगे। और इसका एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि ये सारा ऑलरेडी प्लास्टिक का ही आते हैं तकरीबन, ये जितने भी होते हैं ना इसके फिल्टर, तो इसको यहाँ से इस जगह पे आदमी ना मुँह से थोड़ा सा फूक मार के ना, और ये वाला हिस्सा इसका क्लोज करके चेक करे कि कहीं से ये लीक तो नहीं है, क्योंकि ऐसे एक दो केस में हमारे साथ हुआ है कि गाड़ी का हमने चेक किया है तो ये प्लास्टिक जो होता है ना, थोड़ा सा या क्रैक निकला है या थोड़ा सा लीक निकला है हमारे सामने। तो ये मैं थोड़ा सा आपसे बता रहा था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा था कि ये चीज़ लाजमी चेक करनी है, ठीक है। बाकी अभी हम इस पर ये जिंदा लगाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऑयल भी लगा रहे हैं इस पर, रिंग पे। ये जैन हमने ये नया लगा दिया, ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हमने ग्रीस भी लगानी चाहिए, लुब्रिकेट जैसे, या हल्का सा ऑयल या ग्रीस लग जाए तो ये सही रह जाता है, ठीक है। इसके ये 3 अंदर मैग्नेट होते हैं, इसको ये क्लीन अभी प्रोसीजर सारा ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्लीनिंग थोड़ा पूरा हो गया ये, तो अभी इंशाल्लाह ये लगाएंगे। और ये फ़िल्टर हमने इधर ये टाइट कर दिया, ठीक है, बस लगा दें हम। सरफेस साफ कर लेना चाहिए थोड़ा सा, ठीक हो गया। ये भी बुल लगा के टाइट करके, और इंशाल्लाह इसमें हम अभी ऑयल डालेंगे। तकरीबन इसमें कोई 5 लीटर ऑयल हम डालेंगे, और ये यहाँ से इसका एयर ब्लीड होता है, ठीक है, जैसे लैंड क्रूजर का होता है, सैलून का होता है, वो ये वाला इसका प्लग है, ठीक है। एक मिनट, ये इसमें कहाँ, ये देखें, ये वाला इसका यहाँ से ऑयल निकलता है इससे, और इससे ये ब्लीडिंग होता है इसका, और ये चेक होता है ऑयल लेवल, ठीक है। तो इंशाल्लाह बस अभी ये टाइट करके, और बाद में हम ऑयल डाल के इसमें 5 लीटर, और स्टार्ट करके फिर मिलते हैं। ओके, फिर हम गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने टेक्नीशियन ऑन किया, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे। ओके, तो 10 मिनट हो चुका है,
टेम्परेचर भी थोड़ी गाड़ी उठा ली है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से 15 सेकंड गियर चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ फर्स्ट गियर तक आएंगे, फिर उसके बाद फिर रिवर्स जाके पार्किंग तक जाएंगे, ठीक है। ओके, 15 सेकंड हमने ब्रेक पकड़ा, उस हम चेंज करें। अब हम 15 सेकंड इंतज़ार करेंगे इसे। ओके, गाड़ी आर में जा चुकी है, अब हम 15 सेकंड इंतज़ार करेंगे। इसी तरह करके हमने सारा गियर 15 सेकंड पार्किंग से रिवर्स, रिवर्स से एन, फिर उसके बाद डी, डी से के बाद में एस, माइनस माइनस माइनस, अगेन प्लस प्लस प्लस, उसके बाद में डी जाके, फिर उसके बाद में एन, एन पे जाएंगे, आर, पी, पार्किंग। ओके, इस तरह करेंगे 15 सेकंड, उसके बाद हम लोग आगे बताता हूँ। तो ठीक है, फिर हम हमने चेंज कर लिया 15 सेकंड। अब हम यहाँ से ऑयल इसका लेवल चेक करेंगे फर्स्ट टाइम। ये ऑयल लेवल चेक करना है, ठीक है। ऑयल गिर रहा है, अभी से हम थोड़ा बंद करेंगे। ओके, हमने 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए हमने गाड़ी बंद किया है, ठीक है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करो। तो हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब हम 10 सेकंड दोबारा सेम प्रोसीजर को दोहराएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने 10 सेकंड हमने अगेन चेंज कर लिया शिफ्टर को, अभी हम फाइनल लेवल करेंगे। ओके, तो अगेन हम फिर उधर ही से बोर्ड खोलेंगे, देखो ये ब्लोअर आया नहीं लगा, इस तरह हमें देखो कि हमें क्लोज कर देना है, ये फाइनल लेवल होता है। ओके गाइस, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।